नमस्कार, मैं हूं मुस्कान उस्मानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। डॉक्टर्स और पुलिस कर्मियों की तरह ही एक और ऐसा प्रोफेशन है जिसे 24/7 का प्रोफेशन माना गया है, वो है पत्रकारिता का, यानी कि पत्रकारों का, जिन्हें हमारे लोकतंत्र में चौथा स्तंभ भी कहा गया है। लेकिन क्या आज वही पत्रकार स्वतंत्र होकर अपनी पत्रकारिता कर पा रहे हैं, ये सवाल बड़ा है। और ये सवाल आज इसलिए और अहम हो जाता है क्योंकि आरएसबी द्वारा जो आंकड़ा जारी किया गया है वो कहीं ना कहीं बहुत ही भयावह आंकड़ा है। आरएसबी यानी कि रिपोर्टर्स विदाउट ब्रॉडकास्ट, इनके द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का जो आंकड़ा जारी किया गया है उसमें भारत की स्थिति लगातार डिग्रेड होती जा रही है, यानी कि गिरती जा रही है। अब भारत 161वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि 2022 में ये स्थिति थी 150, यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में साल 2022 में भारत 150वें पायदान पर था। यूं तो हम कहते हैं कि जो पत्रकार है वो निर्भीक होते हैं, उनके पास हर एक हथियार होता है कि वो निष्पक्ष पत्रकारिता कर सके, लेकिन उन पत्रकारों की सेफ्टी और सिक्योरिटी का क्या? अतीक अशरफ हत्याकांड तो हम सभी ने देखा था कि बड़े बड़े चैनल्स के पत्रकारों के सामने अतीक और अशरफ को गोलियों से भून दिया जाता है, वहां बड़े बड़े चैनल्स के पत्रकार मौजूद थे। तो क्या हमने कभी ये सोचा कि पत्रकारों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए आज तक कोई कानून क्यों नहीं बन पाया? क्यों हमारे देश की सरकार एक ठोस कानून नहीं बना पाई जो उनकी रक्षा कर सके? और शायद यही वजह है कि जो हमारे देश की मीडिया है वो स्वतंत्र होकर शायद काम नहीं कर पा रही है। ये तो हम आप पर छोड़ते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि क्या वाकई में जो हमारे देश की मीडिया है वो स्वतंत्र होकर काम कर पा रही है या फिर नहीं कर पा रही है।